जन्नत में यहूदी जाएंगे, ईसाई या मुसलमान? सवाल था कि जन्नत में यहूदी जाएंगे, ईसाई जाएंगे या मुसलमान। मुसलमानों की तरफ से इमाम आलम मोहम्मद अब्दा, ईसाइयों की तरफ से एक बड़े पादरी और यहूदियों की तरफ से एक बड़े रब्बी को बुलाकर इनके सामने यही सवाल रखा गया। मुसलमानों की तरफ से इमाम मोहम्मद अब्दा ने खड़े होकर ऐसे मुदल्लल जवाब दिया कि महफिल में बैठे तमाम नाकदेन के साथ ईसाई पादरी और यहूदी रबी अपना सा मुँह लेकर खामोश रह गए और बग़ैर कोई जवाब दिए खामोशी से उठकर चले गए। आपका जवाब मुख्तसर, जामिया और माकूलियत से भरपूर अदब व एहतराम के साथ रवादारी की उम्दा मिसाल और हिकमत व दानाई का मुरक्का था। इनके जवाब ने सारे मुसलमानों के होंठों पर मुस्कुराहट बकेर दी और ये बाब हमेशा के लिए बंद हो गया। आपने कहा, अगर यहूदी जन्नत में जाते हैं तो हम भी इनके साथ जन्नत में जाएंगे, क्योंकि हम इनके नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान रखते हैं। अगर ईसाई जन्नत में गए तो हम भी इनके साथ ही जन्नत में जाएंगे, क्योंकि हम इनके नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर भी ईमान रखते हैं। लेकिन अगर मुसलमान जन्नत में गए तो हम सिर्फ अल्लाह जलाला की रहमत के साथ अकेले ही जन्नत में जाएंगे, हमारे साथ कोई यहूदी और ईसाई नहीं जाएगा, क्योंकि उन्होंने हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं माना और ना ही इन पर ईमान लाए हैं, इसलिए वो जन्नत में नहीं जाएंगे।